ये एक और टेलर की लंच होने वाली है और इनमें सस्पेंस भरी मूवीज आई हैं, क्योंकि ये डार्कनेस और इसमें एक मर्डर मिस्ट्री केस होने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ही लड़का पर इस पे आधारित है, क्योंकि उसकी मर्डर हो गई थी और मर्डर इन्होंने ही किया था, इनके परिवार ने। अब देखना होगा क्या ये बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, और क्यों मारा इनको ये भी सस्पेंस है, क्योंकि मारने का वजह रीजन और माँ अपने बेटी साथ ही मिलकर उनको गाड़ देती हैं, जो अपने बगीचा में यानी वहाँ पर गाड़ दी हैं। और देखा होगा क्यों गाड़ रही हैं, ये मूवीज देखने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि ऐसे अनुमान नहीं लग सकता है। और देखना होगा ये पुलिस इंक्वायरी की तरह सस्पेंस भरी मूवीज आने वाली। और बात कर लेते इनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या क्या, इनमें इमोशन उतना नहीं है, बस डार्कनेस इमोशन चल रहा है और म्यूजिक भी चल रही है, उतना म्यूजिक खास नहीं है, बस हाँ एक ड्रावनी सी फिल्म बन गई है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें एक मर्डर मिस्ट्री केस होने वाली है। इंडस्ट्री में ये क्या धूम मचाती है या नहीं मचाती है, बट एक सवाल है, इसको पारिवारिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, क्योंकि देखने लायक इसमें सीन है, क्योंकि हर इंसान के किसी न किसी एक मोड़ पर दुर्घटना होती है और गलती भी करता है और उस गलती से भी सीखता है, ऐसा ये सीन दिखाया गया है। और देखना होगा क्या खास कर पाती है ये फिल्म, मगर मेरे तरफ से इसका रेटिंग दिया जाए तो 3 स्टार दे सकते हैं। बात करते हैं 14 अक्टूबर को आने वाली फिल्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करिए कि आपका वीडियो अच्छा है या खराब, आपकी राय हमारे लिए खास है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।